अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मलिर स्टार का दापाक रिएक्शन चैनल। मेरा नाम है मनोवर और मेरे साथ है स्वाजीज। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक गाइस। और आज जो है हम इतने सारे जो है इंडिया की मूवीज देखते हैं, इंडिया की हर ड्रामे देखते हैं, सोप्स हो गए वो देखते हैं, लेकिन आज हमने ये देखना है कि एक वीडियो है जो कि बड़ी अच्छी लगी है हमें, तो हमने आज वो देखना है कि व्हाई इंडिया इज ग्रेट। मतलब जो क्वेश्चन मार्क है व्हाई इंडिया इज ग्रेट, तो वो बताएंगे इसके अंदर कि इंडिया क्यों ग्रेट है। तो वैसे ये तकरीबन हर चीज में आगे ही है, मतलब मूवीज हो जाए, ड्रामे हो जाए, और मतलब कुछ भी हो जाए, ऐसे जो मतलब कारनामे होते हैं काफी, हर चीज में इंडिया आगे है। तो एक और वीडियो जो आई है उसमें है कि व्हाई इंडिया इज ग्रेट, उन्होंने अपनी चीजें बताई हैं कि भाई वहाँ कहाँ है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की भी ऐसी एक वीडियो बनी थी जो कि 14 अगस्त पे आई थी, तो इसी तरह से ये वीडियो देखते हैं अब हम। चलो पहले हम प्ले करके देखते हैं। सबसे तेज है एनिमी
फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेंट की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहाँ आहार में तो कमी हो सकती है लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहाँ 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्री से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहाँ एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहाँ देश को देश नहीं माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोर से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। तो ये थी वीडियो व्हाई इज इंडिया ग्रेट। और ये इसमें मतलब उन्होंने काफी सारे फैक्ट्स बताए हैं कि इस वजह से है, जो कि वाकई में हमें भी नहीं पता और हो सकता उन लोगों को भी नहीं पता। मतलब अगर हम पाकिस्तान की भी, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, हम वीडियो देखी थी 14 अगस्त पे आई थी वो, और उसमें भी इसी तरह से था। मतलब हम लोगों को वाकई में, हम रह रहे होते ना तो हमें नहीं पता होता हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं, मतलब रहते हुए यहाँ पर कितनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं। और नो डाउट इसमें जो मतलब इंडिया बॉलीवुड जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो है वाकई में मतलब हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड ही आता है। और किंग खान नाम तो सुना होगा उन्होंने, सही कहा है, जो रिचेस्ट एक्टर में से हैं वो बॉलीवुड के ही हैं। और अच्छा, इन्होंने मेरे ख्याल से वीडियो बनाने का एक ज्यादातर वो था, उन्होंने ये सब चीजें बताने के बाद उन्होंने मेरे ख्याल से जो शौचालय बनाओ, मतलब जो इनका वो चल रहा है कि अभी भी वहाँ पे नहीं है वॉशरूम्स, बहुत कम है, तो उसकी वजह से उन्होंने एंड में कहा कि जब इतनी चीजें हैं तो ये भी आपको करना चाहिए जब हर चीज में आ गए। मेरे ख्याल से ये इसी के ऊपर बेस कर रही थी चीजें, लेकिन वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मतलब ऐसा होना चाहिए कि किसी में अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट भी वही है, वही अब्दुल कलाम, बाकी में क्रिकेटर्स वही पर है, बड़े बड़े नाम है जो कि मतलब इतने अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं। और जो मतलब पहले जो चाय बेचता था वो आज प्रेसिडेंट, मतलब ये कि मेहनत का फल मिलता है, फल मिलता है। और ये कि इंडिया, वो ये बता रहे हैं कि हम बोलते हैं ना इंडिया सिर्फ ग्रेट है, तो उन्होंने बता दिया कि क्यों है। और जो लास्ट में उन्होंने बात कही शौचालय की, मेरे ख्याल से उन्होंने बोला ये थोड़ी बहुत, उन्होंने ये भी बता दी कि थोड़ी बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, कि थोड़ी बहुत वो नहीं बोलते कुछ रह जाती कमियां, कमी तो उनको करने के लिए वो ये दिखा रहे हैं कि भाई इतना कुछ है तो आप इसमें भी आगे बढ़े, आगे बढ़े। मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो, आप लोग भी देखिएगा। वीडियो वाकई बहुत अच्छी थी, मतलब जो हमें फैक्ट्स नहीं मालूम थे वो भी पता लगे हमें। तो ये थी वाई इंडिया इज ग्रेट वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह की वीडियोस लाएं जिनके बारे में आपको पता ना हो, और मुख्तलिफ ट्रेलर्स वगैरह आते हैं एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक, तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो कमियां हैं वो भी हमारी बताएं लेकिन अच्छे वे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड है। अल्लाह हाफिज़। बाय।